एक महाभारत आगरा में चढ़ने वाला है। अयोध्या पीठाधीश्वर के जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि भगवा वस्त्र पहनने और धर्म दंड रखने के कारण उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आगरा से अयोध्या लौटे जगत गुरु का कहना है कि वह 5 मई को फिर आगरा जाएंगे और इस बार प्रवेश नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे। अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अपने मंगलवार शाम अपने शिष्यों के साथ टिकट लेकर पहुंचे तो थे ताजमहल, आप माफ कीजिएगा इनके शब्दों में तेज महाले देखने, लेकिन हाथ का ये धर्म दंड आड़े आ गया। जगत गुरु का आरोप है कि धर्म दंड और गेरुआ पोशाक की वजह से ताजमहल के पश्चिमी गेट पर तैनात पहरेदारों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जाती है। मैं यहां आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहां शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूं, तो यहां के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहां सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहां महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। देश में हिंदू मुसलमान का माहौल चल रहा है। अयोध्या के पीठाधीश्वर का मामला था, लिहाजा ताज प्रशासन हरकत में आया। जगत गुरु को मनाने में लोग लग गए। यहाँ से हम प्वाइंट पानी को कम से दूर हटाओ, ये पहुँचा तक जब हमारे घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए करने पहुँचा, उसके लिए क्षमा आया, जैसे हम प्वाइंट नहीं छोड़ करेंगे। परमहंस आचार्य से कहा गया कि सुरक्षा वजहों से वो धर्म दंड लॉकर में जमा करवा कर अंदर जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि गुरुजी नहीं माने, लिहाजा उनके टिकट का पैसा रिफंड कर दिया गया और क्षमा याचना कर हाथ जोड़ लिए। मामले में जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है, किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, ASI के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है। जगत गुरु आगरा से तो अयोध्या लौट गए, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों के निमंत्रण पर वो 5 मई को फिर ताजमहल पहुंचेंगे और अगर इस बार रोका गया तो आमरण अनशन करेंगे। 5 मई को हम वहां पहुंचेंगे आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ कर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा, इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। देश में हिंदू मुसलमान पर माहौल गर्म है। हिंदुत्व ब्रिगेड और हिंदू संतों का एक समूह लगातार ये दावा करता रहा है कि बेपनाह मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल मकबरा न होकर अतीत में तेजो महाले शिव का मंदिर हुआ करता था। कुछ साल पहले हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने वहां आरती और स्तुति की कोशिश की थी। जाहिर है जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं ये मौजूदा माहौल में आग में घी की तरह काम करेगा। अरविंद शर्मा, आगरा आज तक।